को नमस्कार, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना एजुकेटर आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। आज अपने इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी। टुडेज क्लास विल बी लास्ट क्लास फॉर द टॉपिक एंड टुमारो वी विल डिस्कस सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। नाउ कम टू द पॉइंट अगेन एंड वी विल सी सम मोर पॉइंट्स, सम मोर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द पॉइंट, रिलेटेड टू द टॉपिक। दैट्स राइट एवरीबॉडी, जॉइन द क्लास। एक बार आप सभी बच्चे लाइव आ जाएं और क्लास अटेंड करें, उसके बाद हम यहां से सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाएं, एज सून एज पॉसिबल आने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए, बहुत बढ़िया बात है यहां से। और मैं सब स्टूडेंट्स धीरे 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 आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, स्टार्ट करें। चलिए, क्लास को ओपन शेयर कर देते हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा देरी से आते हैं तो वो आ जाए। चलो साहब, तो अब स्टार्टिंग कर देते हैं अपन अपने सेशन की। चलिए सर, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहां पर और आज हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर। एंड टुडेज फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज हियर नाउ एंड इट इज मोर देन वन बॉय was and were absent. This is the first statement and second one is that was and were absent. Here is the option again. And third one is more boys than one. Again, options are same, was and were absent. चलो सर, यहां से कुछ चीजें अपने पास हैं तो आप सभी, ये options है आपके पास। इन options में से सही answer क्या होगा ये option बताने की आप कोशिश करेंगे। चलिए सर, तीन क्वेश्चंस यहां पर है। देर आर थ्री क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन एंड एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंस। यहां पर मोर देन वन बॉय एंड मोर देन टू बॉयज एंड मोर बॉयज देन वन, वोज वर एब्सेंट एंड वोज वर एब्सेंट यहां पर दिए हुए हैं। बताना आपको केवल इतना सा है कि वोज आएगा या वर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकेंड में वोज आएगा या वर आएगा और थर्ड में वोज आएगा या फिर वर आएगा, बस ये आपको बतानी है। तो आप एक बार जल्दी से बताएं, सोचिए समझिए और फिर बताने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी करें। चलो जी, चलो बहुत बढ़िया बात है यहां से। एक सेकेंड, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दें, एक सेकेंड वेट प्लीज। यहां पर आई थिंक वन वर्ड से रिलेटेड अपनी ये क्लास है और ग्रामर की क्लास हो गई। एक सेकंड थोड़ा सा आप वेट करें। चलिए,
इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलमोस्ट आज टोटल अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा तो काफी ज्यादा अपने जितने भी वन वर्ड हुए थे 100 के आसपास अपने वन वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ ही कुछ और वन वर्ड्स है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं और जल्दी ही आपके सामने होंगी। थोड़ा सा शायद क्लास कोई दूसरा प्ले हो गया टाइमिंग के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये लीजिए सर, यहां पर चलिए सर। ये आपके लिए फाइल बिल्कुल रेडी है। चलिए देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस थे। 100 वन वर्ड्स की ऑलमोस्ट हमने बात कर ली है क्योंकि अपनी आई थिंक 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उसकी, और उसके अंदर लगभग एक में 40 एंड 40 थे, तो 80 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे आगे के कुछ वन वर्ड्स को लेकर जो बिल्कुल आपके साथ में होंगे। यहां पर आप एक एक क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्लाइड ठीक कर देता हूं। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा आप मुझे टाइम दे दें, एक ही सेकंड का बस आप मुझे टाइम देंगे, उसमें मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। चलो जी साहब। ठीक है सर, चलो चलिए यहां से पहला वर्ड आप लोगों के सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। देखिए साहब, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये तीरंदाज लिखा हुआ है, ये जो आर्क होता है इसका मतलब ही तीर होता है, ये मान के आप चले। ठीक है, अब इसके बाद एक वर्ड और आ रहा है एच ई आर, आर्कर, मतलब ये हो गया तीरंदाज, तीरंदाज हो गया। इसका मतलब हुआ कि अ पर्सन हु शूट्स विद ए बो, ये वो ये झुककर तीर, सॉरी बो एंड एरोज, एरोज यानी क्या हो गया तीर, बो यानी झुकना, तो जो तीर चलाता है उसे तीरंदाज कहते हैं यहां से। तो इसका अपना सही आंसर हुआ है तीरंदाज। शिल्पकार, यहां पर आर्किटेक्चर एक वर्ड सुना होगा आपने, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है शिल्पकार, क्या होता है शिल्पकार, इसका मीनिंग होता है। और अगर शिल्पकार इसका मीनिंग होता है या आर्किटेक्चर इसका मीनिंग होता है तो आर्किटेक्ट वही है शिल्पकार। अ पर्सन हु डिजाइन्स बिल्डिंग्स एंड ऑल्सो सुपरवाइजेस दियर कंस्ट्रक्शन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कंस्ट्रक्शन को ऑब्जर्व करता है, सुपरवाइज करता है, या फिर मैं बात करूं कि इसी के साथ साथ वो सुपरवाइज दियर कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ बिल्डिंग डिजाइन करता है, उसे आर्किटेक्ट कहते हैं, आर्किटेक्चर भी उसे ही कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो यहां से ये क्वेश्चन था। इसी के साथ थर्ड वर्ड यहां पर लिखा हुआ है पुरातन विज्ञान। देखिए आर्कियोलॉजी एक वर्ड चलता है यहां पर, ए एल ओ जी वाई, आर्कियोलॉजी, इसमें क्या होता है पुरातन, पुरातन विज्ञान होता है, पुरातन विज्ञान होता है। ठीक है, मतलब जो एंशियंट थिंग्स को पढ़ता है, एंशियंट थिंग्स जितनी भी प्राचीन चीजें होती है उनका जो स्टडी होता है उसके स्टडी को बोला जाता है आपका आर्कियोलॉजी। अब जो इंसान इसको पढ़ता है या जो वो पर्सन होता है उसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट इसका मतलब हुआ कि वन हु स्टडीज द पास्ट थ्रू ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट बिहाइंड, यानी जो पास्ट के अंदर जितनी भी पुरानी चीजें छूट गई, जैसे अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेख थे, तो शिलालेखों को पढ़ना कि वो किस लैंग्वेज में लिखे गए थे, उन लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, उनका मतलब क्या है, कई सारी ऐसी चीजें थी जो आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताता है। या फिर मैं आपसे बात करूं कि आर्कियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, आर्कियोलॉजी इट इज अ ब्रांच इन विच स्टडीज एंशियंट थिंग्स, जिसके अंदर एंशियंट थिंग्स को स्टडी किया जाता है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज द हु स्टडीज एंशियंट थिंग्स, जो प्राचीन थिंग्स को, वस्तुओं को जो पढ़ता है उसे आर्कियोलॉजिस्ट हम कहते हैं।
इसी के साथ यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से बताएं ये क्या लिखा हुआ है। देखो यहां पर एक वर्ड शांति से देखना, ए टी टी आई सी, एटिक यानी अटारी कहते हैं इसे। अब अटारी किसे कहते हैं, ए स्पेस और रूम जस्ट बिलो द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब एक ऐसा जगह या ऐसी जगह होती है, ऐसा रूम होता है जस्ट बिलो द रूफ, छत के जस्ट नीचे ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के जो कि कोई कोई बिल्डिंग है उसकी छत है, उसके नीचे जो अटारी लगी रहती है जिसे तिजोरी विजोरी का सामान सटा रखा जाता है गुप्त में, तो वो चीज है। यहां पर देखो यहां पर इसका काफी अच्छा मीनिंग निकलता है, एसिडियस। एसिडियस देखो, एसिडियस का मतलब क्या होता है, एसिडियस एस का मतलब क्या होता है, गधा। क्या होता है, गधा। और दुनिया में सबसे ज्यादा परिश्रम कौन करता है, गधा, दरिद्र। तो एसिडियस का मतलब क्या होता है, परिश्रमी, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला, परिश्रमी। तो एसिडियस, एसिडियस मेहनत एवं ध्यान से काम करने वाला व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है उसे एसिडियस हम यहां से कहेंगे। मेरे ख्याल से ये वर्ड भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, जल्दी से एक बार चले सरकार। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, अर्सोनिस्ट यहां पे लिखा हुआ है, ए आर एस ओ एन आई एस टी, तो यहां लिखा हुआ है अर्सोनिस्ट। अर्सोनिस्ट का मतलब होता है दूसरों की संपत्ति का नाश करने वाला, अ पर्सन हु कमिट द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिब्रेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। अ पर्सन हु कमिट द क्रिमिनल, हु कमिट द क्रिमिनल एक्ट, हु डेलिब्रेटली, यहां से एक और वर्ड देखेंगे, डेलिब्रेटली का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है, इसका भी ध्यान से बताओ, जल्दी से कोई कॉमेंट करके बता कि डेलिब्रेटली का मतलब क्या होता है, फिर मैं बताता हूं। चलिए, डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर। क्या होता है, जानबूझकर, इसका मतलब होता है यहां से, तो इसको हम बोलेंगे जानबूझकर, जानबूझकर। तो डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, तो दूसरों की संपत्ति का नाश करने वाला, अ पर्सन हु कमिट द क्रिमिनल एक्ट, डेलिब्रेटली यानी जानबूझकर सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, दूसरों की प्रॉपर्टी में आग लगा देता है, मतलब नाश कर देता है, उसका विनाश कर देता है। इसके बाद यहां से देखेंगे हम जल्दी से, नया वर्ड है, देखो यहां पर एक वर्ड लिखा है एवोल्यूशन, एक वर्ड होता है एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। क्या होता है, मूल्यांकन होता है इसका मतलब। और यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, अप्रेजल, इसका मतलब भी क्या होता है, मूल्यांकन, यानी एन एक्ट ऑफ एसेसिंग समथिंग और समवन, किन्हीं चीजों का मूल्यांकन करना, या फिर मैं बात करूं आपसे किसी इंसान का मूल्यांकन करना, तो वो भी इसमें ही आता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, अपोप्लेक्सी का मतलब होता है मूर्छों की बीमारी, यानी बेहोश होने की बीमारी होती है, इनकैपेसिटी। तो यहां पे लिखा हुआ है अनकॉन्सियसनेस और इनकैपेबिलिटी इन रिजल्टिंग फ्रॉम ए, जी बिल्कुल, सेरेब्रल एंड हार्मोनेज, जी बिल्कुल, हेमरेज, सॉरी, और स्ट्रोक, यानी जैसे हम किसी मिर्गी के दौरे लगते हैं या स्ट्रोक की बीमारी होती है, वो बेहोश होने की जो स्थिति होती है उसको हम बोलते हैं यहां पर अपोप्लेक्सी। चलिए ये बताएं, देखिए गैर पारिस्थिति का मतलब क्या होता है, दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, दैट गैर परिस्थिति का मतलब होता है दैट विच इज आउट ऑफ प्लेस, यानी ऐसी चीजें जो उस स्थान से आउट की है, बाहर की है। तो यहां पर देखिए एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है गैर परिस्थिति की, यानी यहां पे लिखा हुआ है ए एन ए सी एच आर ओ एन आई एस टी आई सी, मतलब क्या हो गया, अनार्कोनिस्टिक्स, गैर परिस्थिति की इसका मीनिंग होता है। फिर यहां पर देखिए एनिमेट, एनिमेट का मतलब क्या होता है, एनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है सजीव,
सजीव का मतलब क्या होता है, इसको मैं कह सकता हूं लिविंग, लिविंग का मतलब क्या होता है सजीव, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे हैविंग लाइफ, ऐसी चीजें जो जीवन रखती हो लाइफ रखती हो उसे क्या बोलते हैं एनिमेट। और इनएनिमेट होता तो यहां से अगर इनएनिमेट होता तो इनएनिमेट का मतलब हो गया नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है बच्चे यहां पर निर्जीव, क्या होता है नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव होता है, हैविंग लाइफ का मतलब जिसमें क्या हो लाइफ हो जीवन हो। तो एनिमेट का मतलब हो गया सजीव, या फिर एक हिंदी में अच्छा वर्ड है इसको हम सजीव बोल सकते हैं, सजीव यहां पर, और इसको हम बोल सकते हैं निर्जीव इनएनिमेट। फिर यहां से नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एंटेडेड, देखो यहां पर ANTED एंटे, एंटे का मतलब होता है बिफोर, बिफोर, और डेट का मतलब क्या होता है कोई ना कोई डेट है, कोई ना कोई टाइम है, तो मान लो कि टाइम से पहले की बात आती है बिफोर टाइम, तो अगर मैं बात करता हूं बिफोर टाइम को लेकर इसका मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं एंटेडेट बोलना चाह रहा हूं, एंटेडेट ANTED एंटेडेट यानी बिफोर टाइम, टू बी ऑफ एन अर्लियर डेट देन, यानी जो डेट दी गई है उससे भी पहले की ये बात करता है। इसके बाद इसका जल्दी से एक बार आंसर करके बताएं फटाफट फटाफट, इट्स सुने इज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताएं बच्चे। चलो साहब अब यहां पर देखो, यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है एनिमिज्म, क्या लिखा हुआ है एनिमिज्म, धारणा कि ईश्वर सभी चीजों में होता है, एनिमिज्म का मतलब विश्वास होता है, जिसे हम कहते हैं कि कणकण में भगवान होता है, तो वो कणकण में जो भगवान होता है उसे एनिमिज्म बोलते हैं, यहां से एनिमिज्म का मतलब हो गया एक ऐसी धारणा जो ये कही जाती है या ये बताई जाती है कि भाई साहब कणकण में क्या होता है भगवान होता है। क्लियर हो गई यहां तक, आप इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनिमिज्म यहां पर हो गया, एनिमिज्म यानी बिलीफ, बिलीफ का मतलब क्या होता है विश्वास, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है विश्वास, फेथ का मतलब क्या होता है विश्वास, और प्रेफिक्स्ड प्रेपरेशन क्या आती है इनसे इन प्लस फेथ ट्रस्ट बिलीफ या बिलीव इन सबसे। तो बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग, गॉड इज इन एवरीथिंग, कि हर चीज में ईश्वर है भगवान है, एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, और हर चीज ही क्या है भगवान है, इस चीज को क्या बोलते हैं एनिमिज्म हम यहां पर बोलते हैं। इसके बाद यहां पर देखो ऑटोस्पी किसे कहते हैं, ऑटोप्सी, ऑटोप्सी किसे कहते हैं, ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत शरीर की जांच, मृत शरीर की जो जांच होती है उस मृत शरीर की जांच को ऑटोप्सी हम कहते हैं, मृत शरीर की जांच यानी एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज, क्या लिखा मैंने यहां पर, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम जल्दी ही, एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज, ऑफ द डेड बॉडीज इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मृत शरीर की जांच ऑटोप्सी कहलाती है, क्या कहलाती है ऑटोप्सी। इसके बाद यहां पर देखिए APOSTLE अपोस्टल, पोस्टल अपोसल, अपोस्टल इसका मतलब क्या होता है किसी सिद्धांत पर विश्वास करने वाला, एनी इंपॉर्टेंट अर्ली टीचर ऑफ, टीचर ऑफ क्रिस्टियनिटी यानी किसी सिद्धांत पर भरोसा करने वाला हो गया, किसी सिद्धांत पर भरोसा करने वाला हो गया। इसके बाद यहां पर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से इसका आंसर बताएं आप, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। बहुत बढ़िया,
कोई बात नहीं, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। चलिए यहां पर ये देखते हैं, ACOLADE, अकोलेड। अकोलेड का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना, यानी प्रेज। प्रेज का मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज और एडमायरेशन। यहां पर एक और वर्ड अपने को पढ़ना होगा, एडमायरेशन। एडमायरेशन वही प्रशंसा हो गई, और किसी को एडमायर करना, ये प्रशंसा करना वर्ब हो गया एडमायर करना, और ये प्रेज मैंने यहां पे लिख दिया प्रशंसा करना। ठीक है, इसके बाद यहां पर आ जाओ 16 पे, यहां लिखा हुआ है एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस। तो एक्रीमोनियस जो लिखा हुआ है, कटु एवं नाराजगी भरा, कटु एवं नाराजगी भरा, इसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। एंग्री एंड बिटर, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वाहट, कड़वाहट। ठीक है, एंग्री गुस्से वाला, एंड बिटर कड़वाहट। टाइपली ऑफ स्पीच डिस्कशन, डायट्री ग्राउंड्स और रेस, मतलब किसी भी प्रजाति से, किसी भी कारण से, किसी भी इंसान से नफरत करना, या कड़वाहट भरे जो रिलेशन होते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि बहुत ही दुश्मनी वाला जो हाल है वो यहां पर आता है। इसके बाद यहां पर देखिए, मकड़ी और बिच्छुओं की हत्या करना, अगर आप मकड़ियों की हत्या करते हैं, बिच्छू की हत्या करते हैं, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, तो ध्यान दे यहां पर, इसे हम बोलते हैं आर्केनिसाइड, आर्केनिडिसाइड, यानी यहां पर हो गया किलिंग ऑफ स्पाइडर्स। स्पाइडर्स का मतलब मकड़ी हो गया, एंड स्कॉर्पियंस का मतलब क्या हो गया, अच्छे बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया। तो यहां पर बिल्कुल आर्केनिडिसाइड, इसका मतलब मकड़ी और बिच्छुओं की हत्या करना। इसके बाद फिर यहां से देखिए एविसाइड, देखो AVI और यहां पर CID लिखा हुआ है, एविसाइड मतलब यहां पर हो गया पक्षियों की हत्या करना, पक्षियों की हत्या करना, हत्या करना। तो पक्षियों की हत्या करना की बात आती है, किलिंग ऑफ बर्ड्स, तो उसको हम एविसाइड बोलते हैं। एपिसाइड किसे बोलते, देखो एविसाइड, अगर AVI आ जाए तो समझ जा रहा बर्ड्स की हत्या हो रही है, और मान लो एपी आ जाए, API आ जाए, एपी, तो फिर समझ जाना बीज, यानी मधुमक्खियों की हो रही है। API AVI, देखो ये पी का और वी का ही डिफरेंस है यहां पर, अगर AVI आ रहा हो तो इसका मतलब बर्ड्स की हत्या होगा, यानी किलिंग ऑफ बर्ड्स होगा, और अगर API आता है तो मतलब किलिंग ऑफ बीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मधुमक्खियों की हत्या करना, इसका सही मतलब हो गया। ठीक, इसी के साथ यहां पर देखो एस्ट्रोनॉमर, क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोनॉमर। अब यहां हम बात करते हैं कि भाई एस्ट्रोनॉमर क्या होता है, ठीक है, ज्योतिष विज्ञान हम इसे कहते हैं। देखना एस्ट्रोनॉमर, वन हु स्टडीज सन मून स्टार एंड प्लैनेट्स, जो ग्रह चंद्रमा सूर्य इनका होता है वो एस्ट्रोनॉमर होता है। और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये वर्ड मैंने पहले ही बताया था, ये एस्ट्रोलॉजी गलत हो गया बेटा, ज्योतिषी विज्ञान जो होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर होता है खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोनॉमर ये खगोल शास्त्री होता है। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो होता है ज्योतिष विज्ञान, है ना, थोड़ा सा ये देख लेना उल्टा सुलटा है, दोनों को मैंने यही कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। एस्ट्रोलॉजी सन मून स्टार प्लैनेट्स, एस्ट्रोनॉमर मतलब एक तरीके से खगोल शास्त्र, स्पेस में जाने वाला, या फिर वही चीज है। तो कुल मिलाकर बात तो यही है दोनों का, वन हु स्टडीज सन मून स्टार प्लैनेट्स, कुल मिलाकर जो रेखाओं का काम करता है, शनि भारी है, ये भारी है, ये तो है, अंतरिक्ष में जाने वाला एस्ट्रोनॉमर होता है, ब्रह्मांड के बारे में बताने वाला, वो वहां से एस्ट्रोनॉमर आता है। देखो एस्ट्रोलॉजर ये आ गया आपका भविष्य बताने वाला, तो ये ज्योतिष भविष्य बताने वाला एस्ट्रोलॉजर होता है, एस्ट्रोलॉजर जो मैंने आपको यहां बताया, एस्ट्रोलॉजर जो आपको भविष्य बताने का काम करता है। वन हु फोरटेल्स थिंग्स बाय द स्टार, जो आपको क्या बताता है, एस्ट्रोलॉजर भविष्य बताता है। यहां पर एस्ट्रोनॉमर जो स्टडी खगोल की करता है, खगोल शास्त्री हम इसे कहेंगे, खगोल शास्त्री सन मून स्टार प्लैनेट्स, इनका स्टडी करने वाला,
और इनके बारे में बताने वाला कि इनका ये भविष्य जो बताया जाता है कि साहब तुम्हारा ये होगा वो होगा, वो एस्ट्रोलॉजर होता है। फिर यहां पर देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है एक्रोबैट, एक्रोबैट लिखा हुआ है, कलाबाज कहते हैं एक्रोबैट को, क्या बोलते हैं? कलाबाज। तो एक्रोबैट को बोलते हैं कलाबाज, यानी वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक फीट, जो फिट का मतलब कर्तव्य होता है, क्या होता है? कर्तव्य। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग डेयरिंग जिमनास्टिक फीट, मतलब ये हो गया कि वन हु परफॉर्म्स, एक व्यक्ति जो परफॉर्म करता है डेयरिंग, काफी साहस भरा हुआ जिमनास्टिक फीट, जिमनास्टिक का फीट कर्तव्य करता है, वो दिखाता है, उसे हम एक्रोबैट कहते हैं। क्या कहेंगे? एक्रोबैट कहेंगे। इसी के साथ फिर देखिए और वर्ड आपके सामने है, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, सौंदर्योपासक। तो यहां पर ASTHETE, एस्थेट यानी सौंदर्योपासक, पर्सन हु लव्स नेचर, एक ऐसा व्यक्ति जो नेचर से प्यार करता है, नेचर को पसंद करता है, उसे हम एस्थेट बोलते हैं। इसके देखो मानव जाति का डर क्या होता है, देखो यहां पर एरिस्टोफोबिया, यहां पर एक रूट वर्ड आता है अपने सामने, फोबिया, इसका मतलब होता है डर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? फियर। एरिस्टोफोबिया, इसका मतलब ये हो गया मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब हो गया पूरी मानव जाति, कौन सी जाति? अच्छे, मानव जाति। तो यहां मैं कह सकता हूं कि अगर एरिस्टोफोबिया है, मानव जाति है, तो फियर ऑफ मैनकाइंड एरिस्टोफोबिया। अंधेरे का डर, जिसको अंधेरे का डर होता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहां पर देखो ACHLUO, और यहां पर फिर आ गया फोबिया, ठीक है, तो एक्लियोफोबिया, एक्लोफोबिया, एक्लियो का मतलब होता है डार्कनेस, और डार्कनेस का हिंदी में मतलब होता है अंधेरा, क्या होता है? अंधेरा। तो एक्लियोफोबिया, और फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर, या इसी को ही क्या बोलते हैं हम? डर। एक्लोफोबिया मतलब फियर ऑफ डार्कनेस हो गया, अंधेरे का डर। फिर यहां पर नहाने का डर, अब सर्दी आ गई, सर्दी आने में पानी से डर लगेगा, नहाने में डर लगेगा, तो जो इंसान नहाने से डरता है उसे क्या बोलते हैं? एब्ल्यूटोफोबिया, एब्ल्यूटोफोबिया, एब्ल्यूटो यानी ये क्या हो गया? बाथिंग हो गया, इसका मतलब नहाना हो गया, नहाना। और यहां पर फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर होता है, जिसे हिंदी में डर बोला जाता है। तो एब्ल्यूटोफोबिया, इसका मतलब फियर ऑफ बाथिंग, नहाने का डर। फिर यहां पे देखो बाढ़ का डर, किसी को बाढ़ का डर लगता है तो एंटलोफोबिया है ना, और बाढ़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लड, FLOOD, फ्लड। फ्लड का मतलब क्या होता है? बाढ़। फोबिया का मतलब क्या होता है? फियर। तो कोई इंसान जैसे पानी से डरता है, नहाने से डरता है, बाढ़ से डरता है, तो बाढ़ से डरने वाले इंसान, सॉरी, बाढ़ से जो डर होता है उस डर को क्या बोलते हैं? यानी कि फियर ऑफ फ्लड क्या कहेंगे? तो उसे हम बोलते हैं बेटा एटलोफोबिया। क्या कहेंगे? एटलोफोबिया। बहुत बढ़िया बात है, यहां तक क्लियर हुआ, एंटलोफोबिया। इसके साथ यहां पर देखिए असफल होने का डर, फोबिया, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे एटकीफोबिया, फियर ऑफ फेलियर, यानी असफल होने का डर। कोई आदमी कि यार मैं ये कुछ करने से पहले सोचता है कि यार मैं करूंगा, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो इस डर के मारे वो कुछ बेचारा काम ही नहीं करता। अब असफल होंगे तो होंगे, तुम तो जो तुम्हारी ऑनेस्टली जो तुम काम कर रहे हो उसको करो अच्छे से, और अगर तुम उसको काफी बढ़िया तरीके से मेंटेन करके चलते हो, ऑनेस्टली उस काम को करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इन द पर्टिकुलर एरिया। लेकिन अगर तुम उसके अंदर अगर काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो डर है फिर यहाँ पर। तो आपको इनिशिएटिव जो स्टेप्स होते हैं वो तो लेने पड़ेंगे, तभी तो आगे पता लगेगा कि असफल तो है ही, क्योंकि आप बैठे रहोगे तो वैसे ही असफल हो, और क्या पता अगर सफल हो जाओ। तो इसलिए इनिशिएटिव स्टेप्स लेने चाहिए, ये आपको करना चाहिए। फिर यहां पर देखिए ऑडियोलॉजिस्ट,
कान रोग विशेषज्ञ, देखो AUDIO ऑडियो, ये वॉइस से रिलेटेड है, यानी ये ध्वनि से रिलेटेड है, ध्वनि। ऑडियो देखो यहां पर, सॉरी ऑडियोलॉजिस्ट, और लॉजिस्ट जुड़ गया इसके आगे, इसका मतलब वन हु ट्रीट्स डीप, डीप का मतलब होता है बहरा, और बाल्ड का मतलब होता है गंजा, गंजा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते होंगे, बाल्ड मतलब गंजा, डीप यानी बहरा, ठीक है। फिर यहां पर देखिए ऑथर, AUTHOR ऑथर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, रचयिता, यानी इसका मतलब हो गया वन हु राइट बुक्स, मतलब ये होगी एक व्यक्ति जो लिखता है किताबें, दैट इज ऑथर, वो क्या है, ऑथर है। अब यहां पर देखिए बंदूक या तोप से निकलने वाली गोली आदि की गति को मापने का जो विज्ञान होता है, यानी बंदूक की गोली कितने की स्पीड से जा रही है, मतलब ये भी मापा जा सकता है कि गोली कितने की स्पीड से आई है, देख लो, और उस यंत्र का जो नाम होता है वो क्या होता है यहां पर BALLISTICS, यानी बैलिस्टिक्स। साइंस डीलिंग विद मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल लाइक रॉकेट्स बॉम्ब्स एंड सेल्स, रॉकेट किस स्पीड से गई है, बॉम्ब किस स्पीड से फटा है, या इन सबको जहां पर इनकी स्पीड को, इनकी वेलोसिटी को, गति को जहां पर मेजरमेंट किया जाता है उसे बैलिस्टिक्स कहते हैं यहाँ पे। फिर यहां पर देखिए इसका जल्दी से एक बार मुझे आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है, जल्दी बताएं। देखो पुरुषों का लंबा कोट, जो पुरुष पहनते हैं बड़ा कोट पहनते हैं, डर पिक्चर में आपने देखा होगा सनी देओल पहनता है शाहरुख खान के सामने, तो यहां पर हम देखेंगे उस कोट को क्या बोलते हैं, बेलमेकन, बेलमेकन, अ टाइप ऑफ मेंस ओवरकोट, यानी पुरुषों का होता है, कोट से भी बड़ा होता है, कोट जैसे अपनी वेस्ट कमर तक आता है, वो घुटनों तक जाता है, तो जो अ टाइप ऑफ मेंस ओवरकोट होता है उसे बेलमेकन बोलते हैं, पुरुषों का लंबा कोट। फिर यहां पर आता है असभ्य व्यक्ति, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड और सिविलाइज्ड हो गया, तो सिविलाइज्ड का मतलब तो सभ्य हो गया, इसका मतलब असभ्य हो गया, और बारबेरियन इसका मतलब भी क्या हो गया, असभ्य, अनसिविलाइज्ड है ना, या बारबेरियस एक ही बात है, BARBAROUS एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, अनसिविलाइज्ड असभ्य। वही वहां पर देखो बारबेरिक, बारबेरिक का मतलब हो गया एक तरीके से क्रूर इंसान, निर्दय जिसे हम कहते हैं, निर्दय जैसे हम क्रूल कहते हैं, या जिसे हम ब्रूटल कहते हैं, ब्रूटल, और ब्रूटल भी कौन सा, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, बहुत ही ज्यादा या अत्यधिक निर्दय जो आदमी होता है उसे बारबेरिक बोलते हैं, बारबेरिक, ठीक है, बारबेरिक, ये बारबेरिक के खाटू श्याम जी के हैं, तो जो बारबेरिक महाराज थे, बारबेरिक, उनका भी भगवान कृष्ण ने गला मांग लिया था, उन्होंने अपना गला काट कर दे दिया था, तो बड़ी बारबेरिक कुर, वो एक तरीके से निर्मम था, निर्दय था कि उन्होंने अपना ही गला काट कर दे दिया, इस तरीके से आप अपना हिसाब से कुछ भी बोल बाल के याद रख सकते हैं, वर्ड्स को याद करना इंपॉर्टेंट है, चाहे झूठी मूठी कहानियां हम लगा लें, बारबेरिक यहां पर हो गया। फिर यहां पर देखो बैरोमीटर, BAROMETER, बैरोमीटर, वातावरण के दबाव को मापने का जो यंत्र होता है उसे बैरोमीटर बोलते हैं, कि वातावरण का दबाव क्या है, तो यहां हम देखेंगे एन एपरेटस यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यह एटमोस्फेरिक का मतलब हो गया वातावरणीय, तो यहां हो गया कि वातावरणीय प्रेशर, प्रेशर का मतलब हो गया दबाव, तो वातावरणीय जो प्रेशर होता है उसको मापने का जो होता है वो यहां से एक तरीके से बैरोमीटर आता है। फिर यहां पर देखो बैरक एक वर्ड है, अब ये क्या होता है ये आपको समझना होगा कि बैरक किसे कहते हैं। देखो वैसे अगर देखा जाए तो बैरक जो होता है, बैरक छावनी होती है ना, छावनी कहते हैं, छावनी, सेना की छावनी में लिख सकता हूं यहां पर, सेना की छावनी होती है ना, छावनी जहां पर पड़ी रहती है सेना, तो वो चीज है यहां पर बैरक, सैनिकों के रहने का स्थान, अ प्लेस फॉर लिविंग ऑफ सोल्जर्स,
जहां पर फौजी रहा करते हैं, सैनिक रहा करते हैं, उसे इंग्लिश में बैरिक बोलते हैं और हिंदी में छावनी बोलते हैं। जैसे एमपी में भी शायद तैतर टोपे वगैरह जहाँ थे वहाँ पर एक अंग्रेजों के टाइम पे छावनी थी, मुझे इतना थी पर एमपी में, जैसे राजस्थान में अजमेर में थी छावनी वैसे वहाँ थी। तो बैरक का मतलब होता है सैनिकों के रहने का स्थान, ए प्लेस फॉर लिविंग ऑफ सोल्जर्स। फिर यहाँ पर आता है बैरन, BARREN, बैरन का मतलब होता है अनप्रोडक्टिव, RUDUCTIV, फर्टाइल। अनप्रोडक्टिव मतलब अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ का मतलब हो गया जिसके अंदर कोई भी कुछ नहीं होता है, कोई उपजाऊ नहीं होता है, कुछ फसल नहीं होती है। जैसे बैरन लैंड हो गया, बंजर भूमि हो गया। फर्टाइल अगर होता, फर्टाइल, तो फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ यहां पर कहते हैं। तो ये है देखो, प्रोड्यूसिंग नो फ्रूट और सीड, जहां पर कोई फल कोई बीज नहीं प्रोड्यूस होता, नहीं बन पाता, नहीं पनप पाता, वो बैरन है, बंजर है। इसके बाद यहां पर देखिए बैरिकेड। अब यहां पर ये वर्ड काफी बढ़िया यूज में आता है, बैरिकेड, काफी सुना होगा आपने बैरिकेड। जैसे हम कहते ना कि यार थोड़ा गाड़ी धीरे चला, कि क्यों चला, आगे यार बैरिकेड है, बैरिकेड लगे हुए हैं, पुलिस है, बैरिकेड जाम, ऐसे करके फिर ऐसे निकलते हैं रोड पे, पुलिस वाले वो लगा लेते हैं बैरिकेड वहां पर, कि कोई भी आएगा तो स्पीड से नहीं निकल पाएगा, वो आराम से रुकेगा ही रुकेगा, क्योंकि ऐसा सेफ दे देते हैं वो, तो आपको गाड़ी को धीरे करके ही टर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज आप बैरिकेड के टकरा जाओगे। तो वो जो खड़े रखते हैं उनको हम बैरिकेड बोलते हैं। किसी गली आदि में परिचालन रोकने के लिए, ट्रैफिक इट मीन्स रोकने के लिए खड़ी की गई बाधा, कुछ लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बैरिकेड। यहाँ पर हैसली इरेक्टेड बैरियर्स, मतलब जो जल्दी से, हैसली यानी फास्ट, जल्दी से, बैरियर अक्रॉस ए स्ट्रीट, गली के आर पार लगाया जाता है ताकि आसानी से साधन ना निकले और रुके धीरे चले, बैरिकेड। यहां पर देखो बैशफुल, शर्मिला आदमी, काफी ज्यादा जो शर्मिला इंसान होता है वो होता है बैशफुल, BASHFUL, बैशफुल। बेसफुल का मतलब हो गया शर्मिला इंसान, क्या हो गया बेटा, शर्मिला इंसान यहां पर हो गया। बिहेविंग इन ए शाई वे, शाई का मतलब शर्मिला, शर्मिले तरीके से, बेसफुल हो गया। इसके बाद यहां पर देखिए बिडल, तो यहां हम लिखेंगे BEADLE, ये क्या होता है, देखो तो बिडल का मतलब होता है जो किसी धार्मिक कार्यक्रम में व्यवस्था की जो देखभाल करता है वो बिडल होता है। तो वो जैसे धार्मिक कार्यक्रम है वहां पर कोई आदमी है, वो वॉलेंटियर है, स्वयं सेवक है ना, और उस स्वयं, वो जो स्वयं सेवक है वो अपना काम कर रहा है वहां पर, जो व्यवस्थाएं देख रहा है, तो जो व्यवस्थाएं देखने वाला होता है उसे हम बिडल कहते हैं। वन हु टेक्स केयर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, यानी एक वो व्यक्ति जो धार्मिक क्रियाकलापों का टेक केयर करता है, उनका उनका ध्यान रखता है, उसे हम क्या कहेंगे, वन हु टेक्स केयर ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज, मतलब जो किसी धार्मिक कार्यक्रम या व्यवस्था की देखभाल करता है उसे हम ये कहते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए बेलफ्राई लिखा हुआ है, BELFRY, बेलफ्राई। चर्च का वह भाग जहां घंटियां लटकाई जाती है, चर्च के अंदर जहां घंटियां घंटियां लटकी हुई होती है वो भाग बेलफ्राई कहा जाता है उसे। तो पार्ट ऑफ ए चर्च, यानी चर्च का एक भाग, इन विच बेल्स आर हंग, जहां हंग का मतलब होता है लटकाना, लटकाना, तो जहां पर बेलफ्राई, जहां पर घंटियां लटकाई जाती है उस जगह को हम बेलफ्राई के नाम से जानते हैं, ठीक है। जल्दी से इन वर्ड्स को आप कमेंट करके लिख कर भेजा करो, बोल कर, जितना बोलोगे उतना याद होगा। फिर एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे हम, बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर, बेनेफैक्टर का मतलब क्या होता है, किसी उद्देश्य के लिए धन का दान देने वाला, बेनेफैक्टर मतलब परोपकारी, परोपकारी से हम कहते हैं। Somebody who helps a cause, यानी somebody कोई व्यक्ति है, who helps, जो सहायता करता है, a cause किसी कारण से, institution की और a person की, specially with a gift of money, यानी अपना पैसा देता है कि ठीक है आप बच्चों को पढ़ाओ, ये मेरी तरफ से पैसे लो, तो वो एक तरीके से परोपकारी आदमी हो गया, बढ़िया आदमी हो गया, सज्जन आदमी हो गया, जो गांव के हित में, गांव के कल्याण में, बच्चों के हित में, लोगों के हित में कहीं ना कहीं अपना पैसा दे रहा है, तो वो परोपकारी इंसान हो गया, उसे हम बेनिफैक्टर के नाम से भी बोल सकते हैं। तो ये अपना क्या हो गया बच्चे, बेनिफैक्टर हो गया। इसके बाद देखो बेनिफिशियरी, लाभ या सहायता प्राप्त करने वाला,
देखो जब बैंक में हम अकाउंट खुलाते हैं ना कहीं बैंक में अगर हम अकाउंट खुलाता है तो जब हम अपना अकाउंट खुलाने जाते हैं तो वो कहते हैं बेनिफैक्टर किसको बनाना चाहोगे, है ना, बेनिफिशरी किसको बनाना चाहोगे, मतलब अगर बाय द वे आपके कुछ हो जाए तो आपके बाद में इस अकाउंट में जो भी पैसा है उसका मालिक कौन होगा, तो वो यही होता है लाभ या सहायता प्राप्त करने वाला बेनिफिशरी। तो somebody who receives a benefit, यानी कि ये जो मकान है आपके बाद किसका होगा, तो वो पहले करवा देते हैं। तो ठीक है, तो उस टाइम के ऊपर ये आपका नया वर्ड है कि लाभ प्राप्त करने वाला, प्रॉफिट प्राप्त करने वाला ये होता है। ठीक है सर, बढ़िया। इसी के साथ यहां पर देखिए एक और वर्ड लिखा हुआ है, बेनेवोलेंस, उदारता, वही वही बात है, बेनेवोलेंस वही उदारवादी, परोपकारी, उदारवादी, उदारता बोल दू इसे या परोपकारी बोल दू इसे, परोपकारी, ठीक है। तो जेनरसिटी इन हेल्पिंग अदर्स, जो दूसरों की सहायता करता हो, उदारता कहते हैं जेनरसिटी को, मतलब खुले दिल का आदमी जो होता है उसे हम यही वर्ड बोलते हैं, बेनेवोलेंस। चलिए सर, इसके बाद हम आगे की कहानी को देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे लिखा गया है बेनेवोलेंट, तो यहां लिखा आ गया BENEVOLENT, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब होता है दयालु या उद्धार, काइंड हार्टेड, बहुत ज्यादा दया दिखाने वाला, बहुत ज्यादा उद्धारवादी जो व्यक्ति होता है वो, तो कहीं ना कहीं बेनेवोलेंट का मतलब दयालु या उद्धारवादी हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है BETRAY, बैटरे, किसी से विश्वासघात करना, धोखा देना होता है इसका मतलब, धोखा, बेट्रे, बेट्रे यानी धोखा। टू बी डिसलॉयल टू समवन हु ट्रस्ट यू, यानी हु ट्रस्ट यू, कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता है, हु ट्रस्ट यू, एंड टू बी डिसलॉयल टू समवन, और तुम उसके लिए डिसलॉयल हो जाते हो, टू समवन किसी भी व्यक्ति के लिए जो तुम पे भरोसा करते हो, तुम उसका विश्वास तोड़ देते हो, उसे धोखा दे देते हो, तो वो चीज आएगी आपकी बैटरी में। फिर यहां पे देखो, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है गैमिस्ट, यहां पर हम देखेंगे ये क्या है। देखो बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है, कहीं पर भी अगर BI बाई तो बाई का मतलब टू होता है, ठीक है। और ये गैमिस्ट का जो मतलब होता है, गैमिस्ट का मतलब एक तरीके से मैरिज होता है, तो दो शादियां जिसकी होती है, दो वाइफ जिस होती है, तो वन हु हैज टू वाइफ्स, एक व्यक्ति जिसके दो पत्नियां हैं उसे हम क्या कहेंगे, ये बात आपको बतानी है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि बायोगेमिस्ट जो होता है, जिसकी दो पत्नियां होती है उसे बायोगेमिस्ट कहते हैं, तो वन हु हैज टू वाइफ्स। इसके बाद देखो यहां पर वही सेम वर्ड आया वापस बाई, अब देखो यहां पर बाई का मतलब तो वही टू होता है, और बायोलॉजिस्ट, अब देखो यहां पर, अब यहां एक बात समझना, बायोलॉजिस्ट ये पूरा एक कंप्लीट वर्ड है, बायोलॉजी से बना है ना, बाकी में बाई से आपका जैसे बाइलिंगुअल होता, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता, बाई यानी टू और लिंगुअल यानी लैंग्वेज, तो जो दोनों लैंग्वेज में बात करता है वो बाइलिंगुअल हो गया। लेकिन यहां बायोलॉजी पूरा एक वर्ड है और बायोलॉजी से मिलकर बना है बायोलॉजिस्ट, और बायोलॉजी होता है जो जीवों एवं पौधों का अध्ययन करता है, दैट इज बायोलॉजी, जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है वो ब्रांच होती है बायोलॉजी, और जो इंसान कर रहा है स्टडी उसे बोलते हैं बायोलॉजिस्ट, यानी वन हु स्टडीज द साइंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को क्या करता हो, जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों को की स्टडी करता हो उसे हम ये कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिस्ट, ठीक है बच्चा। इसके बाद ये देखो बायोटा, किसी क्षेत्र विशेष के जीव एवं पेड़ पौधे, भाई जैसे शीतोष्ण कटिबंधीय में ये टाइप के पौधे पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय में वन में ये टाइप के पौधे पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप के पेड़ पौधे ये पाए जाते हैं, तो उन पेड़ पौधों का जो विशेष प्रकार के होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में पाए जाते हैं, एनिमल एंड प्लांट लाइफ ऑफ ए रीजन, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो बायोटा होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं। ब्लैक बॉक्स किसे कहते हैं, ये ध्यान से देखेंगे हम, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है एक यंत्र जो वायुयान के उड़ान संबंधी विवरण का रिकॉर्डिंग करता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो वायुयान की उड़ान, जो वायुयान उड़ रहा है प्लेन, उसके संबंधित रिकॉर्ड करता है,
यानी एन एपरेटस विच रिकॉर्ड्स द फ्लाइट डाटा ऑन ऑफ एन एरोप्लेन एंड इज ऑल्सो ए वॉइस रिकॉर्डर. वॉइस रिकॉर्डर भी यहां से होता है एक तरीके से. तो ये ब्लैक बॉक्स होता है. ठीक है, इसके बाद मेरी यहाँ पर एप्लीकेशन पे क्लास होगी. आप सभी अनअकैडमी का जो आपका एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करें प्ले स्टोर पे जाके. कई सारे कोर्सेज वहां पर फ्री यहाँ पर है. अनलॉक बिल्कुल शुरू हो चुका है जहां पर आपको 20% का ऑफ वहां पर मिल रहा है. ठीक है, तो आज और अभी के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. बाय बाय गाइस, टेक केयर. थैंक यू, कल फिर मिलेंगे. थैंक यू.